हेलो एवरीवन, क्या आप फ्रोजन पोटैटो स्टार्टर बाहर से खरीदते हैं जैसे कि मकेन और अमेरिकाना? तो अभी आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो चार पोटैटो स्टार्टर की रेसिपी जिसके बिना तो बच्चे भी नहीं रह पाते हैं। ये स्टार्टर मैं एक ही डो से बनाने वाली हूँ, तो ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये घर पर बनने वाला है तो एकदम फ्रेश और बिना प्रिजर्वेशन के बनेगा, तो बच्चे की हेल्थ की भी टेंशन ख़त्म। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता रहे और आपको भी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे और सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम 8 से 10 आलू लेंगे। आलू हमको एकदम कच्चे लेने हैं, उनको अच्छे से छीलना है पहले तो। और आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे आलू को बॉयल करते हैं, तो कोई भी वीडियो का पोर्शन स्किप मत करिएगा। सारे आलू छिल जाने के बाद इनको 2 बार पानी से अच्छे से धोएंगे। तो लीजिए, मैंने सारे के सारे आलू अच्छे से धो लिए हैं। तो इन आलू को हमको बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। आलू को मैं माइक्रोवेव में बॉयल करने वाली हूँ, तो उसमें गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप जैसे ही सीटी लगाते हैं बट उसमें थोड़ा सा पानी का पोर्शन आ जाता है आलू में, बट माइक्रोवेव में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपके जो नगेट्स हैं स्टार्टर से वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। नहीं है इट्स ओके, आप बिना माइक्रोवेव के भी बॉयल कर सकते हैं, पर माइक्रोवेव है तो इस तरीके से ट्राई करें, बहुत ही अच्छे स्टार्टर बनेंगे आपके। आलू कट हो जाने के बाद इनको एक बार पानी में धो लेना है। धो लेने के बाद एक माइक्रोवेव सेफ आपको ग्लास लेना है, उसमें आपको सारे पोटैटो ट्रांसफर कर लेने हैं। और जो माइक्रोवेव में हम कुक करने वाले हैं पोटैटो, वो जल्दी से भी हो जाते हैं तो टाइम भी बहुत कम लगेगा उनको कुक करने में। पोटैटो ट्रांसफर करने के बाद इनके ऊपर इसे क्लीन रैप हम लगाएंगे। क्लीन रैप लगाने के बाद हम इनको चाकू की मदद से थोड़े से ऐसे होल करेंगे कि इसमें से एयर आती जाती रहे। ये होल करना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से ये करेगा ज़रूर। अभी ये पोटैटो हम माइक्रोवेव में रखेंगे। ये पोटैटो कोई भी सिंपल माइक्रोवेव में भी कुक हो जाएंगे। मेरे माइक्रोवेव में पोटैटो बॉयल का ऑप्शन है तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी, वो लगभग 3 मिनट और 45 सेकेंड जितना लगाता है टाइम। अगर आपके पास ये नहीं है ऑप्शन तो आप 6 या 7 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं। तो लीजिए, हमारे पोटैटोस बॉयल हो चुके हैं और मैंने इनको 2 बार प्रेस किया, इट मीन 6 और 7 मिनट्स उतने में ये बॉयल हो चुके हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप कुकर में जैसे सीटी लगाते हैं वैसे ही सीटी लगा के फिर छिल के फिर आप पोटैटो को कट करके ऐसे ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि माइक्रोवेव में पानी हमको डालना नहीं पड़ता तो पोटैटो पानी सोखते नहीं है, उसमें सोख लेते हैं। अभी छन्नी की मदद से हम इनको मैश करेंगे जैसे कि कोई भी लम्स ना रह जाए डो में, और डो हमारा एकदम स्मूथ और सिल्की बने, कोई भी लम्स ना हो, इसलिए मैंने ये प्रोसेस की है। हमारी यूजफुल टिप ये है कि आपको गर्मा गर्म ही इनको मैश करना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो माइक्रोवेव वाले पोटैटो जल्दी से सूख भी जाते हैं क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ही कम होती है। तो सारे पोटैटो ऐसे मैश हो जाने के बाद आप को एक स्मूथ और सिल्की एक डो मिलेगा, उसी से ही हम सारे स्टार्टर बनाने वाले हैं। आपको ये प्रोसेस देख के लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बट बिल्कुल भी नहीं है, ये फटाफट हो जाता है, माइक्रोवेव में भी कुक जल्दी हो जाता है और ये मैश भी जल्दी हो जाते हैं। और हमारे सारे पोटैटोस मैश हो चुकी है। अभी उसमें मैंने आधा कप जितना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, 1 छोटी चम्मच जितना सॉल्ट ऐड किया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक डो बनाना है। आपको अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ये चिपचिपा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डो ड्राई लग रहा है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं है घर पे तो इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। जैसे आपने वीडियो में देख रहे हैं वैसे एकदम डो बन जाना चाहिए। अगर आपका डो बन नहीं रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी या फिर कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ऐड मत करेगा, अदरवाइज आपके नगेट्स एकदम सोगी बनेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि पोटैटो ज़्यादा पानी कंज्यूम ना करें। अभी आलू का डो बन जाने के बाद हम इनको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के 4 नगेट्स बनाने वाली हूँ, स्टार्टर। अब इन स्टार्टर को धीरे धीरे हम बनाएंगे, तब तक बाकी का जो डो है हम एक बॉल में रखेंगे। सबसे पहले हम पोटैटो स्टिक बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसकी आवाज़ सुनिए और इसके साथ इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं।
तो लीजिए हमारे कुरकुरे पोटैटो स्टिक तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए इसकी आवाज़ कितने क्रंची हैं ये पोटैटो स्टिक, और मुझे तो लगता है फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा ये क्रंची हैं। नेक्स्ट रेसिपी है बच्चों की सबसे फेवरेट पोटैटो स्माइली। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता होगा जिसको पोटैटो स्माइली पसंद ना हो, तो जल्दी से इसकी भी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो लीजिए हमारी फेवरेट स्माइली तैयार हो चुकी है। अभी मक्खन वक्खन को भूल जाइए, ये वाली स्माइली ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिना प्रिजर्वेटिव के मिल रही है, तो बच्चों की हेल्थ की भी टेंशन हमको नहीं है। तो नेक्स्ट रेसिपी है मेरी गार्लिक पोटैटो रिंग्स। आजकल ये भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। लीजिए हमारी गार्लिक पोटैटो रिंग्स तैयार हैं। बस इसके डो में मैंने चॉप गार्लिक, चिली फ्लेक्स और ओरेगानो को ही ऐड किया है, बट फ्लेवर इसका एकदम अनोखा है, जरूर ट्राई करें। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से मॉइस्ट ऐसी बनती है। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी तो मैं कहूंगी बच्चे, बूढ़े, जवान सबको अच्छी लगती है, बिल्कुल ही चीजी वीजी पोटैटो नगेट्स। जितनी ये दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, रेसिपी भी इतनी ही इसकी सिंपल है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ।
हमारे पोटैटो चीज़ नगेट्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रंची हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं ऊपर से और अंदर से इतने सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। बस मैंने इसमें मोजरेला चीज़ का ब्लॉक ऐड किया और ऊपर से मैदे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करी है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी लग रहे हैं। घर पे ये सारे नगेट्स ट्राई करके देखे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इजी भी हैं बनाने में। यहाँ पे मेरी वीडियो फिनिश होती है। देखिए कितने नगेट्स ईजी थे, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर, खाओ पियो खुश रहो, खाओगे नहीं तो जानोगे कैसे। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।